बसंत गुलाबी घनसौर सिमनी जबलपुर मध्य प्रदेश और ग्राम ईश्वरपुर का रहने वाला हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ समस्त जनताओं को और मीडिया वालों से और पत्रकार वालों से भी, पुलिसों से, मीडिया वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मिनिमम कम से कम 60 प्रकार की आवाज़ निकालता हूँ, तरह तरह की एक्टिंग, कॉमेडी एंड मिमिक्री एंड डायलॉग्स। देखिए, हम तरह तरह की आवाज़ निकालते हैं, और जैसे हमारे बीच में राजकुमार साहब अपनी आवाज़ में बोलते हैं, यानी ना गोलियों की धार से, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की धार से, ना तलवार की धार से, बंदा डरता है परवरदिगार से, परवरदिगार से। और हम चाहते हैं जिंदगी शाम इतनी बदल जाती है जिसके मुस्कुराने पर यूं ही बदल जाती है। और हमारे बीच में जैसे नाने पाटकर साहब आवाज़ किस प्रकार निकालते हैं, और हम चलते लिए चलिए नाने पाटकर साहब की आवाज़ में, अच्छे हम दैदी हो गए बताए, अच्छे हम दैदी हो गए, ये हिंदू का खून है, मुसलमान का खून, अच्छा है मकसम, अच्छा है, मैंने मच्छर का विकास किया और मच्छर ने मेरे विकास कर दिया, मकसम, एक मच्छर मकसम इंसान किसी जल बना देते ही जा, अच्छा है, मैंने कलमबारी भाई को इतिहास लिखा दिया है, लिख लिख तू कलम लिख ले, अच्छा है, ये मेरा देश महान है फिर भी बेईमान, अच्छा है, जय भारत जय महान, अच्छा है। और जैसे हमारे बीच में मिथुन चक्रवर्ती है, और मिथुन चक्रवर्ती किस प्रकार कैसे आवाज निकालते हैं, मकसम मकसम जिंदगी का फनना जो मौत के लिए बराबर हो सकता है, न कानून की जिंदगी है न हुकूमत के लिए, ये परिंदे भी मौत का आगाज देते हैं, कोई शक है क्या। और जैसे हमारे बीच में जैसे एहसन भाई ने कहा था कि ए जिंदगी कफन बन के यूं ही उड़ जाती है, ए जिंदगी कफन बन के यूं ही उड़ जाती है, कभी कभी आपको हंसाती मुझे रुला देती है, मध्य प्रदेश में गाड़ी चल रही अचानक ब्रेक फेल हो गया, उसने पूछा बहुत कमाल हो गया। तो एहसान भाई से मुलाकात हो चुकी है, एहसान कुरैशी, काफ़ी समय पहले की बात है। और जैसे कहते हैं कि एक बीबी के माध्यम से आवाज़ को हम शुरुआत करते हैं, कॉमेडियन है, एक बीबी रहती है और उसका हस्बैंड होता है, और वो दफना कर हस्बैंड क्या करता है, एक बार क्या हुआ, एक आदमी अचानक अपनी बीवी को घर वो दफना कर आ रहा था, माहौल अथल पथल हो गया, उसने आसमान को ऊपर देखा, लगता है बीवी बहुत पहुंच गई, उसने माहौल को देखा जैसे कि बादल गजरे, आसमान की जोरों की बारिश हुई, अथल पथल हो गया माहौल, उसने आसमान के ऊपर से देखा कि लगता बीबी पहुंच गई, हम सोचे आप पहुंच गए। तो ये कॉमेडियन के माध्यम से होता है, जैसे हमारे बीच में जगदीश साहब हैं, अरे बाबा खंबा फाड़ के एक बार गए भैया सिटी नगर पालिका में काम करते, एक बार गए खंबा उखाड़ के, बार बार सिटी बार के एक बार गए भैया सिटी नगर पालिका में काम करते। और जैसे हमारे बीच में अमिताभ बच्चन साहब करोड़पति और अपन कंगालपति है, ओ हम दो गलो जो तुम्हारा लन शुरू जाते हो, आपके पास गोले मेरे पास तो चल पा, और सोर जो मेरे को बहुत बहुत सलाम करता उसकी टू आवाज देखे भाई तब देखे, अरे करोड़पति लोग करोड़पति की कीमत करते हैं, अरे हम जैसे कलाकार की कीमत नहीं हो सकती, हमारे पास तो कुछ नहीं है, मत ठोकर कला है, अरे आपसे बोलकर बहुत खुश की बात है। जैसे एक बार क्या हुआ हमारे बीच में, एक आदमी अचानक बहुत परेशान हो गया, रातों रात बहुत परेशान हो गया, मच्छर ने उसको चवाचाप किए, उसने गुस्सा में आकर जहर पी लिया, अब कहता है यार सालो काटो, किसको काटो, आदमी को काटो ये, लेकिन आज की स्थिति में क्या होता, मच्छर आदमी को भी काटता है लेकिन आदमी मच्छर ही नहीं काटता है। तो एक आदमी अचानक भैया परेशान हो गए मच्छरों से, चवाचाप, मच्छर ने चवाचाप किए, बेचारा सूज फूल गया, अब गुस्सा में टेंशन में आदमी आया, कहता यार जहर जैसे कि पिया, कहता यार सालों काटो,
ये देखो खुद मच्छर को दोष दे रहा है और खुद पी रहा है, तो ये कॉमेडी इनके माध्यम से होती है। उस जैसे हमारे बीच में आप चलते हैं धर्मेंद्र साहब, धर्मेंद्र साहब अपनी आवाज में बोलते हैं, लगन सप्ले मशका है मकसम मैं गब्बर का खन पिसाम का लोहा लोहा को काटता है और इंसान इंसान को काटता है, मकसम जिंदगी कफन है और हो सकता है। इतने क्लियर करके देखना साहब, इतने